कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार परिवहन आयुक्त द्वारा 7 मई से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड परिवहन निगम सहित निजी संचालकों के अंतरराज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने बताया कि 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अंतरराज्यीय एवं निजी संचालकों के बसों के अंतरराज्यीय परिवहन के संचालन की शासन द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जिसके निर्देशानुसार परिवहन हेतु विशेष परमिट, बारात परमिट, अस्थायी परमिट शर्तों के आधार पर दी जाएगी, जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची अनिवार्य रूप से रखे जाने, प्रत्येक यात्री का 3 दिन पूर्व का RT-PCR टेस्ट अथवा कोविड टीकाकरण होने का प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा। परमिट शर्तों का पालन वाहन स्वामी या चालक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने कहा, कोविड-19 संक्रमण के दौरान के दृष्टिगत रोकथाम के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार परिवहन आयुक्त महोदय ने दिनांक 7 तारीख को पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से आने वाली परिवहन निगम की बसें और निजी संचालकों का आवागमन में प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि कोविड का संक्रमण बढ़े ना। और वहां से यात्री अगर इधर आते हैं या सीमा पार इधर जाते हैं तो कोविड के संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। ये आदेश 7 मई को किया गया था और उसके उपलक्ष्य में आज क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोविड का संक्रमण काफी हद तक थमा हुआ है और ये निजी संचालकों के बस मालिकों के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, मतलब प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई उनका जो है आवागमन सुचारू रूप से किया जाए। तो इसके तहत 24 अगस्त को शासन और तथा हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार अब उन लोगों का आवागमन जो है सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और उसमें लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें लिखी हैं कि कोई भी बस मालिक जो अदर स्टेट में आ रहा है, जा रहा है, वो अपने बस में जितने भी यात्री यात्रा कर रहा है उनकी पूरी सूची रखेगा। दूसरा ये है कि यात्रा करने से 3 दिन पूर्व की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या अगर वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है और उसको पूरा टीकाकरण हो चुका है उसका सर्टिफिकेट लेकर वो चलेगा यहाँ पे। तो ये मेन इनका प्रतिबंध जो है इसी शर्तों के अनुसार ये प्रतिबंध को ढील दी गई है और ये शासन के निर्देश है कि अब विशेष परमिट जैसे बारात का परमिट होता है, पार्टी का परमिट होता है और धार्मिक यात्रा के अंतर्गत जो टेम्परेरी हम लोग परमिट इश्यू करते थे वो अब हम जारी कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। क्या ये इसमें रोडवेज की बसें भी अब चालू होंगी? ये जो हमने बताया था पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य का समझौता हुआ है वहां से रोडवेज की बसें यहाँ आ सकती है, यहाँ से जा सकती है।